हेलो, हेलो। हाँ जी प्रदीप जी, गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या रहा, पॉजिटिव रहा हमारा आज का केस? हाँ काफी पॉजिटिव रहा। मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज तो किया था अच्छा। और उसमें ये हुआ कि जज साहब ने बड़ी नाराजगी दिखाई है दिल्ली सरकार के ऊपर भी, डीएसएसबी पे भी और एमसीडी के ऊपर भी, कि आपने हमारे ऑर्डर्स के बाद भी जो है कुछ किया नहीं है। और गवर्नमेंट बोली जी वो अप्रैल की डेट थी तो चल गए, इसका मतलब क्या है कि कुछ आप करेंगे नहीं है? और उनको बोला है कि इसमें तुरंत हमें सारी इंफॉर्मेशन दो। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अशोक अग्रवाल तो यही चाहते हैं ना कि भाई रेगुलर टीचर्स हो जो मेरिट पे अपॉइंटमेंट हो। तो बिल्कुल सही है। आप तो कुछ करते ही नहीं है, कर ही नहीं रहे आप तो। एचडीएमसी को तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं करोगे तो मैं आपके कमिश्नर को ना कोर्ट में समन कर लूंगा और जो भी कर सकता हूँ ना मैं ऑर्डर्स वो करूंगा। और 2 दिन में उनको कहा है कि फाइल करो एमसीडी को। और दिल्ली गवर्नमेंट को उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दे दिया क्योंकि छुट्टियां चल रही है ना, अब हाँ जी हाँ जी 6 तारीख को हाईकोर्ट खुलेगी और तारीख भी उन्होंने 16 के लिए लगा दी है। और गई कोर्ट की, इनको लंबी डेट का मतलब देने का मतलब सो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये 10-15 दिन के अंदर जो है ना काफी तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और कुछ एक्शंस जो है ना वो सर्टेन हो जाएंगे कि एडवर्टाइजमेंट कब आ रहा है और कैसे प्रोसेस शुरू होगा और कितनी कितनी उसमें कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी जो है। वैकेंसी हाँ रहे। हाँ तो मेरे को लग रहा है कि कम से कम 20,000 के करीब वैकेंसी होनी चाहिए एमसीडी की और दिल्ली गवर्नमेंट की जोड़ के, क्योंकि एक आधी ऐड होती रहती है ना, जी। रिटायर हो गए या कुछ हो गया। तो मुझे लग रहा है कि 20,000 वैकेंसी जो डीएसएसबी की आएगी, उसके अलावा भी हमने कोर्ट को कहा है कि इनको बताओ कि ये प्रमोशन से प्रमोशन में कितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं, तो वो भी बताओ। तो मुझे लग रहा है काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है ना दिल्ली सरकार से, डीएसएसबी से एंड एमसीडी से हमें मिलेगी और मेरे ख्याल से जनवरी के अंदर कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए। चलो सर, आपने इतना मतलब बहुत आज दिल खुश कर दिया सर। हाँ नहीं ना, पूरी तरह से तो कोशिश है मतलब बच्चों, जो डिवीजन बेंच का ऑर्डर है कि जब कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक ईयर होता है तो उसमें 0 वैकेंसी होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि एक्चुअल में ये एक्चुअलाइज हो ये कि जब 1 अप्रैल को सेशन शुरू होता है उस समय टीचर्स की एक भी वैकेंसी जो है ना नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही उसको बात है सर। देखना चाहते हैं। तो छोड़ेंगे नहीं जब तक वो बात नहीं होगी ना, छोड़ेंगे नहीं किसी को। बस सर, बहुत बहुत अच्छी बात लगी सर। हम सारे बच्चों की उम्मीद आप पे टिकी हुई है सर। जो नहीं हमारे, हम तो हाँ अपना काम करते हाँ नहीं सर, रियली आपका काम वास्तव में अप्रिशिएबल है सर। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, और सर इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हैं। आपने इतनी अच्छी न्यूज़ दी सर। तो नहीं अच्छा है, आप भी तो इतनी अच्छी न्यूज़ बनाते हो। हाँ सर, देखो ये सर कोऑर्डिनेशन ही है सर आपका और हमारा, हाँ नहीं कंटेक्ट सभी 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 का योगदान जरूरी होता है इस हाँ सर, लड़ाई वो में। यही है सर, ये एक अच्छी खोज आदमी के क्या लिए। करेगा, हाँ वाह सबको ही करना चाहिए। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि हमें बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहिए है, जी सर, जी सर। टाइम पास नहीं करना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए, सभी को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि वो उनका सुपरविजन भी प्रॉपर रहे है। एक हाँ जमाने में सर, इंस्पेक्शन वही है किया ना, सभी की करते थे। जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो जो है उसकी हाँ जिम्मेदारी क्या है वो समझनी चाहिए उसको। नहीं तो क्या हो रहा है पूरे देश के अंदर, धीरे धीरे सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट डे इन तक कम हो रहा है। जो हम हरियाणा के 7 जिलों में घूम कर आए हैं सर, आपने बहुत वीडियो तो हाँ देखी है। बिल्कुल इतना कम हो गया है कि मैं आई एम श्योर कि अगर हमारे टीचर्स और यहाँ के पेरेंट्स, खासकर टीचर्स अगर कॉन्शियस नहीं हुए तो आने वाले वक्त में गवर्नमेंट स्कूल सब धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, बंद होने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी और बंद हो जाएंगे कॉर्पोरेट पर। सही कह रहे हो सर। तो इसलिए सबसे ज्यादा टीचर्स को समझना चाहिए जिनको नौकरी ऑलरेडी मिल गई है कि वो ऐसा एटमोसफियर बनाए कि रियली प्राइवेट स्कूल से जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इन स्कूलों में लाएं। जी बिल्कुल सही है सर, ऐसा होना ही चाहिए सर। इतने क्वालिफाइड टीचर होते हैं, इतने अगर एग्जाम क्लियर करने के बाद आते हैं, तो वो अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए बच्चों को। ये वातावरण नहीं बना पाए ना तो वक्त खराब आने वाला है। वैसे ही गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई है टीचर्स के। हाँ टीचर्स के लिए क्यों पड़ी हुई है तो मुझे नहीं पता, लेकिन टीचर्स को पढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल के बारे में। मतलब सर वैकेंसी निकाल दी, पीछे पढ़ना ही है सर।
नहीं पीछे पड़ना तो कई बार ऐसा था ना, पॉलिटिकल एडवांटेज देने की भी कोशिश करती है गवर्नमेंट। अगर वो इसलिए पढ़े पीछे कि आप पढ़ाइए तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो इसलिए आए कि मेरा कल मीटिंग है वहां आ जाना सारे के सारे, हाँ राजनीतिक काम आपसे लेंगे, तो वो फिर क्या पीछे।